Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, आज संडे, नहीं आज मंडे है, ना? आज है सैटरडे और आज है सैटरडे. तो मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ. ताकि ये है मेरी पन्नी, इसमें है सब्जी, सब्जी है. अब बोल मेरी, इसमें सब्जी है, सब्जी, नहीं सब्जी, सब्जी. आप भी कहते हो सब्जी है. तो दीक्षा कह रही है कि इसमें सब्जी है, बट वो बताएगी आपको थोड़ी देर में कि इसमें क्या है. अभी थोड़ी देर में बताना, मैं कुछ बात कर लूँ गाइस से. सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ. आप सभी को बहुत 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 थैंक यू. इतनी सारी विशेज आई मेरे पोस्ट पे और बहुत से लोगों ने इंस्टा पे डीएम किया कि दीदी आप ये दवाई लीजिए, आप यहाँ दिखाइए आप, मतलब बहुत सारी एडवाइस आई और विशेस तो इतनी सारी आई कि मैं क्या बताऊँ. बस शायद आप सबकी दुआओं की वजह से ही मैं यहाँ पे फिर से बैठी हूँ और आप सभी को अपडेट दे रही हूँ कि मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ. और बीच में जिगी की भी तबीयत खराब हो गई थी, अब वो भी थोड़ी बेहतर है, बट थोड़ी खांसी है उसको, वो भी ठीक हो जाएगी. तो क्या हुआ था मुझे, मैं बताती हूँ आप सबको. बहुत स्टार्टिंग, अब तो 20-25 दिन हो गए इस बात को. शुरुआत में मुझे ना हल्का हल्का पेन हो रहा था, कभी यहाँ पे, कभी पीछे के साइड, कोई जगह फिक्स नहीं थी. मतलब तो होता है ना, 3-4 दिन हम मतलब ऐसे ही सोचते हैं कि नॉर्मल होगा. फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई, नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाया, फिर मैं मायके गई, वहाँ पे मैंने 2 डॉक्टर्स को दिखाया. 5-6 दिन मैं उधर ही थी अपने मायके में, बिल्कुल भी बेड से उठी नहीं, सिर्फ बेड से उठ के डॉक्टर के यहाँ जाती थी और डॉक्टर के यहाँ से आके फिर बेड पे. मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला. थोड़ा बहुत राहत मिली जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उनको जब दिखाया तो वो थोड़ा समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है, बट उतना ज़्यादा आराम नहीं मिला. फिर ये हुआ कि अब न्यूरो को ही दिखाना पड़ेगा. तो फाइनली जब न्यूरो को दिखाया तो उन्होंने सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में जो निकला है वो मैं आपको बता देती हूँ. एक तो ये होता है ना, इसमें तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर ही समझ पाते हैं, तो इसको मैं अलग रख देती हूँ. और ये मैंने दिखाया है लखनऊ में हुमा न्यूरोलॉजी सेंटर में, डॉक्टर शकील हैं. किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पे दिखाओ क्योंकि मेरे घर के पास भी हैं, तो मैं वहीं पर गई. और सिंस मेरी जो है ना, ये 15 दिन के लिए उन्होंने ये चलाया और उसके बाद फिर अब जा कर के उन्होंने मेडिसिन चेंज कर दी हैं. और इम्प्रेशन में सीटी स्कैन के जो निकला है वो ये है, माइल्डली डायलेटेड बाइलेटरल लेटरल वेंट्रिकल्स. अभी क्या होता है डॉक्टर समझ पाएंगे अगर आप लोग यहाँ पे देख. जो कॉमन लैंग्वेज में समझ आया वो ये कि बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स आर माइल्डली डायलेटेड, मतलब दो वेंट्रिकल्स में पानी ज़्यादा है. जो कॉमन लैंग्वेज में बताया था वो ये कि ब्रेन में पानी भर गया है या ब्रेन में स्वेलिंग आ गई है, ऐसा कुछ आप लोग समझ लीजिए. मुझे जो समझ आया, ठीक है. तो अब बात करते हैं कि ये कैसे ठीक होगा. तो उन्होंने कहा था, तो जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि अगर फीवर नहीं आता है तो दवाओं से क्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर फीवर आता है, मुझे पहले फीवर आ रहा था बट इधर बीच में मुझे 8-10 दिन से बिल्कुल भी फीवर नहीं आया है, तो अभी फीवर नहीं आने के अकॉर्डिंग मेरी दवाएँ चल रही हैं. ये हैं पूरी दवाएँ हैं इसके अंदर, ये पूरी 1 मंथ की दवाएँ हैं. तो ऐसे सब पूरा मतलब 1 मंथ का है पूरा दवाओं का. तो अगर फीवर नहीं आता है तो नॉर्मली ये क्योर हो जाएगा दवाओं से. अगर मुझे फीवर आता है तो जो ये लिक्विड या फ्लूड जो भी है उसको आई थिंक सर्जरी करके निकालना पड़ेगा.
तो बस आई विश कि मुझे फीवर ना आए और नॉर्मली दवाओं से क्योर हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, सर्जरी वगैरह का नाम ही बड़ा होता है अपने आप में। तो बस आप लोगों ने इतनी सारी प्यारी प्यारी विशेस दी कि मैं इतना ऐसे ही ठीक हो रही हूँ। आगे भी आप लोग दुआ करिए कि कोई सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ और अपनी गुल्लों को अपने गुच्चों को ऐसे ही प्यार से संभालते रहूँ। आपको पता ही था मुझे रोजी आई है। ओ आपको पता ही नहीं चला, देखो जी की को नोजी आई है। आप जी की अपना नोजी का है कि डो 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 है खिलाएंगे है खिलाएंगे। गाइस जिगिशा आपको कुछ कहना चाहती है, ये जो दिखा रही थी आपको बोल रही थी, झूठ बोल रही थी कि सब्जी है, सब्जी नहीं है, क्या है ये? आपको पता है ये है, ये है अंगूर, ये है अंगूर। और ये देखिए तबीयत खराब होने के पीछे ये भी एक रीजन है कि जिद करके इसने रात में अभी अंगूर ले रखा है, ऐसे खा नहीं रही है, ये पहला है जो इसने खाया है। मत खाओ अभी, ठीक है? गाइस भी कह रहे हैं रात में नहीं खाते ना, प्रॉमिस। मैं खाऊंगी गाइस। हाँ गाइस कल खाएगी जी दिशा। तो बस तो कुछ कह रही है गाइस, हाँ खड़े होके दिखाओ। ये जिगिशा का आपको कैसा लगा स्वेट शर्ट है? ये बहुत बड़ी हो गई, जो कि मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, महिमा दीदी लाई है। और मेरा टॉप कैसा लगा? अच्छा, ये भी मुझे गिफ्ट में भाभी ने दिया था। और बस अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से ब्लॉग्स लाते रहे आपके लिए, और प्लीज कीप सपोर्टिंग अस और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय।